सर कपिल सिब्बल के सामने कहीं ना कहीं मनिंदर सिंह की जो एविडेंस हैं, जो इनके पास पक्ष की बातें हैं, वो कम पड़ गए मनीष कश्यप के लिए? देखिए इस बात को नीरज सर ही बता, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं अपना नाम बता दूं, मैं नीरज सानिध पटना हाईकोर्ट अधिवक्ता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही फिलहाल में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर डी वाई वी चंद्रचूड़ ने बहुत अच्छी बात कही थी मीडिया को भी लेकर। खासकर उन्होंने ये बात कही थी कि मीडिया एक इंडिपेंडेंट मैसिनरी है और मीडिया सब कुछ हाईलाइट कर सकता है, एक्सेप्ट कि मीडिया ट्रायल ना करे और मीडिया किसी को गिल्टी ना प्रूव करे। उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्टली इस लाइन को कहा है। तो मीडिया का रोल है चीज़ों को लाना सामने, जनता के बीच में लाना। और अभी भी इस माध्यम से जो भी प्रकरण हुआ है मनीष कश्यप जी को लेकर, उसी चीज़ को लाई जा रही है। जहाँ तक मनीष कश्यप की बात है, इनके केसेस बिहार में और तमिलनाडु में साथ साथ चल रहे हैं। बहुत सारे ढेर सारे केसेस हैं, किसी में बेल हुए हैं, किसी में नहीं भी हुए हैं। खैर, अब एक जो पिटीशन अभी पिछले कुछ दिनों पहले दाखिल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में NSA को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज करने का भी ग्राउंड उसमें स्टेट किया है। और वो सबसे बड़ा फैक्टर है कि जो बिहार की केसेस हैं और जो तमिलनाडु में केसेस हैं, उनका जुरिसडिक्शनल टेरिटोरियल जुरिसडिक्शनल देखना पड़ता है। अगर ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस होता तो एक कोई सेंटर पॉइंट को खोजकर वहाँ इनकी ट्रायल कराई जा सकती थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने देखा है कि इन लोग का टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में कहीं मैच नहीं कर रहा और ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस नहीं है। जो तमिलनाडु में ऑफेंस घटे हैं वो वहाँ का जुरिसडिक्शन है, जो बिहार में घटे हैं वो बिहार के जुरिसडिक्शन है। और ये CRPC भी प्रोवाइड करता है टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की बात करता है। तो इस मद्देनज़र को रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पारित किया है कि कोई ऐसा ऑफेंस नहीं दिखाई पड़ा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये कंटिन्यूइंग है। बिहार में भी हुआ तो साथ साथ वहाँ हो गया पैरेलली, ये होता तो कोई एक पॉइंट फिक्स होता, वहाँ उनकी ज्वाइंट ट्रायल होती। अब जहाँ तक मनीष कश्यप की बात है, एक साल जेल में रहने का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो वो तो सब कोर्ट पर बाइंडिंग है, इनको बेल नहीं मिलेगी। इनके लिए एक ही रास्ता है कि ये जितने केसेज में इन्वॉल्व हैं इस कस्टडी पीरियड के दौरान, अगर ये सारे केसेज में ट्रायल करवा के ट्रायल इनकी हो जाए और उस अवधि के पहले ट्रायल कंक्लूड हो जाए और ये फेयरली वापस आ जाए तो ये जेल से बाहर आ सकते हैं। दिस इज ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट टू हिम लीगली। लेकिन सर मेन है कि तमिलनाडु से उनको फिर बिहार आना और बिहार में जितने भी मामले दर्ज हैं उनके ऊपर में, वो विशेष रूप से वो कहीं ना कहीं इनको जो है नीचे कर रहा है इस मामले में, आपराधिक जो मामले हैं इनके साथ, तो क्या मतलब कि तमिलनाडु से बिहार कब तक वो आ सकते हैं? देखिए ये तो दो स्टेट का बात है। अब जैसे जैसे इनका ट्रायल आगे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इनका लाइनअप किया जाएगा। सपोज़ करिए कि एक महीना के बाद डेट इनकी पड़ती है बिहार में, तो ये वहाँ से ऐसा संगठन के साथ आना पड़ेगा, पुलिस कस्टडी में आना पड़ेगा कि उस डेट को ये यहाँ हाजिर हो जाएं। फिर इनका ये सब अभी चलता रहेगा, यही ड्यूरेशन लंबा भी हो सकता है। अगर इसको बहुत सिस्टमैटिक वे में किया जाए तो ये विद इन टाइम हो सकता है ट्रायल, बट ये एक्सेप्शनल केस में यहाँ होगा, क्योंकि हम लोग का जो परिस्थिति है, जिस स्थिति में ये देश चल रहा है, न्यायालय की व्यवस्था है जैसी है, तो उसको देखते हुए अगर ये दोनों ऑप्शन है, अब आप किस ऑप्शन पर वर्कआउट करते हैं, आपका कैसा माइंडसेट है, वो डिपेंड करता है। लेकिन सर देखिए बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चीफ जस्टिस ने जो किया है वो तो अपने हिसाब से करते हैं, बट लोगों की जो दिमाग में ये बहुत चल रहा है कि आखिर मनीष कश्यप को NSA अब लंबा इसमें फंस गए, और इसको चलते जो है सबसे बड़ी समस्या है कि लाखों लोग ये सोच रहे थे कि आखिर इनके ऊपर में जो कई FIR हैं, कई सारे मामले हैं, इस पर में उनको मतलब कि अपराध को साबित किया जाए, बट NSA लगा देना और एटलीस्ट NSA साबित करवा देना, ये कहीं ना उनके साथ जो है नाइंसाफी हुआ है। देखिए NSA कोई भी दफ़ा लगती है किसी भी एक्यूज के अगेंस्ट, तो सिर्फ दफ़ा लग जाने से नहीं हो जाती है, दफ़ा लग जाने से बातें हो सकती हैं लोगों के बीच में, जनता के बीच में, आप उसका प्रॉन्स भी देख सकते हैं, जो आप जिस तरीके से देख सकते हैं। ये तो जो भी दफ़ा लगी है फाइनल एंड फाइनली वो प्रूव होगा ट्रायल में ही,
या NSA बनता है कि नहीं बनता है, और जो अदर ऑफेंसेस है बनता है कि नहीं बनता, ये फेयरली आपको प्रूव होंगे आपको ट्रायल में ही, और उससे पहले कहीं नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने देखा होगा कि नहीं केस मेड आउट होता है NSA के तहत, तो सुप्रीम, और वो एपेक्स कोर्ट है और वो बाइंडिंग है और वो प्रेसिडेंट भी है सबके लिए। यानी कि एक साल जो है उनको जो टेन्योर दिया गया है कि जेल के अंदर रहना ही पड़ेगा, उसके बाद कुछ हो सकता है इनका? एक साल तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से रहना है, ये तय है। ये अच्छा सॉरी, तमिलनाडु को ये हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है एक साल रहने का, वो तमिलनाडु के केसेज में रहना है इनको। बिहार हाईकोर्ट या किसी भी कोर्ट का ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। तो आप एक साल के अंदर में तमिलनाडु के अंदर में आप अपने सारे केसेस का ट्रायल करवाएं, और उस पीरियड से पहले ट्रायल को ख़त्म करें। अगर आप फेयर हैं तो निकल आएंगे, नहीं फेयर हैं तो फिर वो भी ऑर्डर मेंटेन रह जाएगा, आप कन्विक्टेड भी रह जाएंगे। लेकिन सर एक सवाल ये भी है कि पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के तहत क्या मनीष कश्यप को बलि का बकरा बनना पड़ेगा पड़ा? और दूसरी बात है कि कई पत्रकार इस तरह से यदि खबर प्रिंट मीडिया बड़े बड़े मीडिया संस्थान छापे थे, तो क्या मनीष कश्यप ही क्यों? देखिए इसके पीछे भी कुछ कारण है, क्योंकि कोई भी प्रिंट मीडिया अगर इस तरह का ये किया था या मनीष कश्यप ही किए थे, तो आपका जो पॉलिटिकल इसमें कहीं ना कहीं से कुछ आ रहा है, जो कि सबको दिख रहा है कि पॉलिटिकल वे कहीं ना कहीं से इसमें समाया हुआ है, कि पॉलिटिकल कारण है इसके पीछे। क्योंकि इस मनीष कश्यप के ऊपर जब FIR होती है, तो मनीष कश्यप उसके पहले एक वीडियो रिलीज करते हैं सोशल मीडिया पे, और वो पूरी सरकार को, गवर्नमेंट को, यहाँ तेजस्वी जी जो हैं हमारे उप मुख्यमंत्री, उनको चैलेंज करते हैं कि मैं सरकार को गिरा दूंगा 180 दिन के अंदर में। कहीं ना कहीं से ये सब जो है ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा उनको करना भी नहीं चाहिए। अगर उन्होंने कोई गलती किया था तो सरकार से और सरकार के जो तंत्र हैं या जो भी उसके एजेंसीज हैं उससे उनको कोई ये नहीं होना चाहिए, उनको फेयरली वहाँ माफ़ी मांग लेनी चाहिए था कि हाँ। मनीष कश्यप ने माफ़ी मांगा सर? देखिए अब कोई चीज़ अब ऐसे कैसे हम बोल सकते हैं न्यायालय के मैटर में कि पॉलिटिकल जो है ये हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं से आप ही लोगों के माध्यम से ये भी खबर आ रही है और बिहार की जनता भी देख रही है कि कुछ ना कुछ तो पॉलिटिकल वे इसमें है, जिसके कारण इस लड़के को जो कि एक समाज के लिए जागरूकता पैदा करने के साथ साथ सामाजिकता के लेकर हम लोग जो वीडियो देखते थे वहाँ कहीं ना कहीं से वो बिहार को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करके और उनको चाहते थे कि बिहार को एक नई ऊँचाई दे, एक नया मुकाम दे। लेकिन अब क्या पॉलिटिकल वे है और क्या इनसे गलती हुई है, एक कोर्ट निर्णय ले ही लिया है और कोर्ट के ही ऊपर जब ये छोड़ दिया गया, तो कोर्ट हमारे यहाँ सर्वोपरि है, और कोर्ट के द्वारा अगर इनके ऊपर इस एलिगेशन को एक्सेप्ट किया गया कि नहीं इन्होंने ये गलती किया है, तो हम एज ए लीगल ये नहीं बोल सकते हैं कि उन्होंने गलती नहीं किया है और कहीं ना कहीं से ये पॉलिटिकल मामला है। जब कोर्ट का मामला है तो कोर्ट सर्वोपरि है। कहीं कहीं देखा जाए तो मनिंदर सिंह जो मनीष कश्यप के वकील हैं वो अपने पक्ष रखने में कामयाब नहीं हो पाए इसमें क्या? देखिए कोई भी लॉयर अपने पक्ष को वहाँ तक ही रख सकता है जहाँ तक उसकी पॉइंट लॉ की हो, उससे बाहर तो जा नहीं सकता है। आप लॉ से ऊपर नहीं हो सकते हैं, चाहे आप कितने भी बड़े एक लॉयर हो, एक एडवोकेट हो, और कितने भी छोटे एक एडवोकेट हो, आप दोनों फैक्ट वही बात करते हैं जो लॉ बोलेगी, तो लॉ के फैक्ट के अनुसार तो ये बातें अपनी भी रखे होंगे। लेकिन अब कपिल सिब्बल हमारे यहाँ के एक वरिष्ठतम वकीलों में से एक माने जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अपना लॉ के एक अंडर में जो लॉ हमारी बोलती है उसके अंडर में उन्होंने भी अपनी बातें रखी होगी, और इनके जो वकील थे मनीष कश्यप जी का उन्होंने भी अपनी बातें रखी होगी। लेकिन कोर्ट सर्वोपरि है, उसको जो लगा होगा, जो फैक्ट लगा होगा, उस पे उन्होंने अपना डिसीजन सुनाया होगा। बिल्कुल, यानी कि सर एक साल तक उनको अब तो कस्टडी में उनको एक साल तक रहना ही रहना है। सर इसका वो तो आया हुआ है, आप ही लोग के माध्यम से हम देखें 24 अप्रैल या 4 अप्रैल हम मिस कर रहे हैं 2024 तक, मतलब अप्रैल 2024 तक एक साल तो उन्हें रहना है। और उसके बीच में हमारे सर ने बताया भी कि अगर इस केस की ट्रायल चलवा लेते हैं तमिलनाडु में अपना जो है उसमें बिहार का जो है, और इस ट्रायल के माध्यम से वो उसी अंडर में एक साल के अंडर में इनकी ट्रायल भी पूरी हो जाती है, तो जेल से बाहर आ सकते हैं। अगर नहीं होती है तो फिर इसमें जो इनकी कस्टडी होगी वो फिर अलग से इनके ऊपर चलेगी। देखिए अप्रैल 2024 तक जो है मनीष कश्यप के लिए कहीं ना कहीं अब
जो है जेल की सलाखों में रहना पड़ेगा ही, चूँकि NSA का मामला संदेह के घेरे में जो है, वैसे भी देखा जाए तो संदेह की निगाहों से अब इस NSA को लेकर जो है उनको रहना ही पड़ेगा। उसके बाद जो भी चीज़ें निकल के आएगी, लेकिन फिलहाल मनीष कश्यप की मुश्किलें अभी ख़त्म नहीं, अभी है ही, और NSA को लेकर उनको उनके साथ जो भी चीज़ें अभी लंबा समय लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ NSA की वजह से। आखिर मनीष कश्यप के लिए कई लाखों लोग चाह रहे हैं कि NSA हट नहीं पाया, हटेगा या नहीं पाया, वो क्लियर फिगर हो गया कि उनको एक साल अब जो है इस जेल की सलाखों में रहना ही पड़ेगा। और भी अपडेट्स के लिए जुड़िएगा, धन्यवाद।